इलेक्शन पर ट्रेड कैसे करें, देखिए डिमांडिंग वीडियो है ये। सबसे पहले आपको समझना है 2014 की रिजल्ट के बारे में। 2014 में जो रिजल्ट आया था, मार्केट गैप अप ओपनिंग किया मोर देन 1% और मार्केट डायरेक्टली 10% तक ऊपर की तरफ गया और फिर से 7% मार्केट नीचे की तरफ गिरा, इस तरीके से समझ सकते हो। फिर 2019 में फिर रिजल्ट आया, सरकार सेम बनी और मार्केट फिर से गैप अप ओपनिंग किया मोर देन 1% और 4-5% की मार्केट अप मूव किया। 11-12 बजते ही मार्केट फिर से नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ करीबन 6-7%। तो इस तरीके से दोनों बार सेम सरकार बनती रही है, तो इस तरीके से मार्केट ट्रीट किया है। अगर सरकार फिर से सेम बनती है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी तरीके से काम करने वाली। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि क्या हम लोग बाय करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट होने वाला है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। हमारा इंडिया वेक्स 23-24 चल रहा है। अगर अभी हम लोग एटीएम और आईटीएम खरीदें तो जिसकी कीमत अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, प्रीमियम का भाव बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर हम लोग एटीएम और आईटीएम खरीद भी लेते हैं तो मार्केट ओपनिंग जब होगा उसके बाद अगर मार्केट अप मूव करता है तो वहां पर इंडिया विक्स नीचे की तरफ फॉल होगा और हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से गिरने वाला है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान